इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस ने ब्रिटेन और अमेरिका से जताया डर्टी बम के इस्तेमाल का डर। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने अपने समकक्षों से बात की इसको लेकर। यूक्रेन डर्टी बम इस्तेमाल कर रूस को फंसाना चाहता है, वालेरी गेरासिमोव की तरफ से कहा गया। रूस को न्यूक्लियर टेररिस्ट बताना चाहता है यूक्रेन, वालेरी गेरासिमोव की तरफ से, यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम देने की फिराक में है यूक्रेन, यह आरोप लगाते हैं। एटमी धमकी की शुरुआत करने वाले रूस को यूक्रेन से एटमी हमले का डर है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन रूसी सेना के खिलाफ अपनी ही धरती पर डर्टी बम का इस्तेमाल पश्चिमी देशों की मदद से कर सकता है। रूस ने इसके बाद पश्चिमी देशों को भी साथ में वार्निंग दे दी। उसका कहना है कि पश्चिमी देश कीव में दखल अंदाजी बंद करें, यूक्रेन को डर्टी बम वाले प्लान पर उकसाने का खेल न खेलें, क्योंकि ऐसा करने से दुनिया की शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। अब सवाल है कि क्या जंग में यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम के इस्तेमाल की रूस की आशंका सच्ची है? क्या यूक्रेन रूस के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है? तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की एक दिन पहले ही रूस के इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। जेलेंस्की का उल्टे रूस पर आरोप ये है कि रूस इसकी आड़ में यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन तक कह चुके हैं कि रूस के ये आरोप झूठे हैं। बिना किसी तथ्य के लगाए गए ऐसे आरोप से रूस तनाव को और बढ़ाना चाहता है।